अच्छा, लाहौर में आज मेरा दूसरा दिन था और दूसरे दिन में रात के टाइम पे हम लोग आए थे यहाँ पे बैठक, और बैठक में तो मैं छोटे भाई के साथ और दोस्त के साथ आया था। और वहाँ पे बैठक में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, हर चीज़, हर डिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर करवाया था ये बारबेक्यू और ये टिक्का बोटी वगैरह, और इनका टेस्ट भी अच्छा था और थोड़े भाई ने तो मज़े से खा लिया भाई। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे रात के टाइम। उसके बाद हम लोगों ने खेल लिया क्रिकेट लड़कों के साथ। पैकिंग थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर मैंने ज़्यादा पेंस और जो ड्रेसिंग थी उससे रिप्रिंट वाली चीज़ें रखी हैं, और शूज़ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और सुनने में यही आया था कि वहाँ पे सर्दी है, तो मैंने ज़्यादा जो वार्म क्लोथ्स हैं वो चूज़ किए हैं। और ये मेरा पर्सनल हैंड कैरी बैग, इसके अंदर मेरे लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। आए तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। कौन सा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? मेरे साथ है मेरे बड़े भाई और छोटी सिस्टर। अभी यहाँ पे एक्सचेंज करवाने आया हूँ सऊदी रियाल में, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा बिल्कुल भी कहीं पर। मिली मुझे यहाँ से मिले हैं सऊदी रियाल, तो चलो शुक्र है कुछ तो मिल गया यहाँ पे। ब्रदर माय बिग सपोर्टर, I'm so pleased to have a brother like you. After boarding, मुझे टिकट वगैरह मिल चुका है, अभी चलते हैं आगे। गेट नंबर 26 था, वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मैं पहुँचा हूँ। और यहाँ पे जितने भी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, मैं भी वेटिंग में हूँ। अच्छा, जब आप वेटिंग कर रहे हो आपका टाइम पास नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास एक ही चीज़ होती है कि आप चाय पी लें और अपना टाइम किल करें, तो मैं वही कह रहा हूँ। सऊदी एयरलाइंस में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए खाने को भी मिलेगा, जूस पानी, और ये स्वीट भी दिया गया है, और ये अरेबियन डिश है और उसके साथ राइस, काफ़ी कुछ है एक बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी है। चलो फिर इसको हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत अच्छे हैं चावल, बहुत अच्छी टेस्टिंग। ये है इनकी अरबिक ब्राउन ब्रेड और इसको जो सर्विंग है एक पर्सन के लिए है, और टोटल के लिए जिससे आपको मिल जाएंगे 42। ठीक है, क्राफ्ट की जो नीड है वो इसको फिलफिल करिए। और अच्छी बात यह कि ब्राउन ब्रेड है एंड नॉट वाइट वन, तो एक अच्छा ऑप्शन है इनके पास और अच्छी सिलेक्शन है। जब भी यहाँ पे खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए तो हम लोगों को वाईफाई नहीं मिलती है, और उसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं अपने पासपोर्ट के थ्रू। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होता है। इंग्लिश पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपने वाईफाई इंटरनेट जो आपका पासपोर्ट है उसको आपने शो करना है। कंटिन्यू करते हैं, सक्सेसफुली डन। हम लोग अपना टाइम किल कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे तक हम लोग आगे पीछे और फूड के चक्कर में हम लोग डूब गए। कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हमें मिल जाए, फ्राई बर्गर वगैरह और ये ड्रिंक, भूख भी लगी थी तो मैंने कहा कि इसी से कुछ हल्का फुल्का कर लेते, फिर बाद में सोच लेते।
अच्छा, हम तीनों काफ़ी टाइम से घूम रहे फिर रहे, और फारूक आजम जो पहले से चाइना में बैठे, और मुनीब अच्छा टाइम गुजराएंगे साथ में। अगर ये ना होते तो मेरा टाइम यहाँ पे गुजरना नहीं था। चले फिर, हम लोग अभी निकले हैं अपने गेट की तरफ। उसके बाद मैं डॉक्टर कशिफ के नाम से बैठ रहे हैं, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे।